ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 14 राजा वीर की कथा श्लोक क्रमांक 33 कहा वा एनम परिचक्षित वेनम एकम रिते अशुभम प्राप्तः ईदृशम ऐश्वर्यम यत् अनुग्रह भाजनः को वैनं परिचक्षीत वेनमेकमृते शुभम प्राप्त ईदृशम ऐश्वर्यम यद अनुग्रह भाजनः। कहा कौन वा निसंदेह एनम श्री भगवान परिचक्षिता निंदा करेगा वेनम राजा वेन को एकम एकाकी रिते सिवाय अशुभम अभागा प्राप्तः प्राप्त करके ईदृशम ऐसा ऐश्वर्यम ऐश्वर्य यत् जिसका अनुग्रह कृपा भाजनः पात्र। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा अनुवाद। भाग्यहीन राजा वेन को छोड़कर भला ऐसा कौन होगा जो उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की निंदा करेगा जिनकी कृपा से सभी प्रकार की संपत्ति एवं ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। तात्पर्य जब मानव समाज व्यष्टि रूप से या समष्टि रूप से ईश्वर विहीन हो जाता है और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सत्ता की निंदा करता है तो समझिए कि उसका विनाश अवश्यंभावी है। श्री भगवान की कृपा को ना समझने के कारण ऐसी सभ्यता में सभी प्रकार का अशुभ होता रहता है। ओम अज्ञानति निबंधस्य ज्ञानञ्जनं शलाकय चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साधुजातं सहगनमुनातान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगनललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नाम्ने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा सादे गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो राजा वेन की कथा में अभी हम देख रहे हैं कि सभी जो ब्राह्मण गण हैं ऋषि हैं वो राजा वेन को समझाते हैं लेकिन समझाने के पश्चात भी जैसे कि एक सर्प को दूध पिलाने से उसका जहर और बढ़ जाता है उसी तरह से जो राजा वेन है अगर किसी को अच्छी सलाह दी जाए राजा वेन जैसे व्यक्ति को जो द्वेषी है और पापी है तो उसका जो अहंकार है वो और अधिक बढ़ जाता है। तो उसके पश्चात जो ऋषिगण हैं वो ये निर्णय लेते हैं कि इस राजा वेन को अभी मार देना चाहिए।
है ना। तो इस श्लोक में आया है कि जो भगवान की निंदा करते हैं, है ना, व्यष्टि रूप से या समष्टि रूप से, है ना, व्यक्तिगत रूप से करते हैं या सामूहिक रूप से करते हैं, है ना, राष्ट्र हो गया, समाज हो गया। तो अगर जो भगवान की निंदा करता है तो समझ जाइए कि उसका विनाश क्या है, अवश्यंभावी। जैसे हम बोलते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, है ना। तो जैसे ही किसी व्यक्ति का विनाश आने वाला होता है उसकी बुद्धि क्या हो जाती है, घूम जाती है, विपरीत हो जाती है, ईश्वर विहीन हो जाती है। तो उस समय ऋषिगण और ब्राह्मणगण उपस्थित हैं जो इस परिस्थिति को रिवर्स कर सकते हैं, इस परिस्थिति को सुधार सकते हैं। तो वो प्रयास करते हैं कि राजा भेल की मृत्यु हो और उसके पश्चात जो भगवान की सत्यावेश अवतार हैं पृथु महाराज हैं उनका प्राकट्य। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। अगर ईश्वर विहीन समाज होगा तो उसका विनाश क्या हो जाएगा, अवश्यंभावी हो जाएगा, है ना। जितना लोग नास्तिक होंगे, जितना लोग भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करेंगे, उतना वो खुद को नुकसान करने वाले हैं और अपने आसपास के लोगों को, समाज को, राष्ट्र को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। तो ईश्वर विहीन सभ्यता जो है उसका क्या क्या उसके चिन्ह है, है ना, कैसे हम समझेंगे कि ईश्वर विहीन सभ्यता। तो इसके बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं। तो ये ईश्वर विहीन सभ्यता में लोगों का ये विचार होता है कि कोई भी परम सत्ता नहीं है, कोई भी ऐसा एब्सोल्यूट ट्रूथ या एब्सोल्यूट अथॉरिटी ऐसी कोई नहीं है। और अगर कोई परम सत्य नहीं है, परम सत्ता नहीं है, तो उसके नियम भी नहीं है, उसके नियम भी नहीं है, तो कोई सही और गलत भी नहीं है, है ना, कोई पाप और पुण्य भी नहीं है, है ना, कोई अच्छा और बुरा भी नहीं है। तो जैसे ही परम सत्ता और एब्सोल्यूट ट्रूथ को हम पिक्चर में से हटा देते हैं, उसी तरह से व्यक्ति क्या सोचने लगता है कि हर व्यक्ति को अपना एक स्वतंत्र अधिकार है जिसके माध्यम से वो ढूंढ सकता है कि सही क्या है, गलत क्या है, जिसको कि आधुनिक भाषा में हम रिलेटिविज्म बोलते हैं। रिलेटिविज्म मतलब जो व्यक्ति जैसा सोचता है, जो व्यक्ति जैसा करता है, वही सत्य हो जाता है, वही सच हो जाता है। माई ट्रूथ इज वॉट आई से आई थिंक, है ना, मेरे लिए सत्य क्या है, जो मैं ऐसा सोचता हूँ, है ना। तो आजकल के ये समाज में ये जो भावना है बहुत बड़े स्तर पर फैली हुई है कि हर व्यक्ति अपनी अपनी जगह सही है, हर व्यक्ति का अपना अपना एक सोच होता है, तो किसी को किसी की सोच में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, किसी को ऐसा नहीं बताना चाहिए कि ये सही है ये गलत है। सभी लोग अपनी अपनी जगह पर सही होते हैं और जिसको जो अच्छा लगे वो करते रहना चाहिए। तो जब कोई वास्तव में सही और गलत का पैमाना नहीं है, वास्तव में पाप और पुण्य का पैमाना नहीं है, तो व्यक्ति को जो मर्जी आए, जो उसकी इच्छा करे, जो उसके मन में या इंद्रियों में वेग आए, वो उस तरह से वो कार्य कर सकता है। तो इसको बोलते हैं रिलेटिविज्म, है ना, कि सब क्या है, कोई परम नहीं है, सापेक्षिक है, है ना, सब कुछ क्या है, सापेक्षित है। तो उससे क्या होता है कि जब, जैसे कि यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ईश्वर विहीन समाज क्या होगा, उसका ध्वंस हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा, वो सिविलाइजेशन है वो नष्ट हो जाएगी, या व्यक्तिगत रूप से वो जो जीवन है व्यक्ति का वो खत्म हो जाएगा, है ना। अगर व्यक्ति व्यष्टि रूप से और समष्टि रूप से वो भगवान का अपराध करता है। तो हम देखते हैं कि आजकल समाज में सही गलत और पाप पुण्य की धारणा नहीं रह गई, है ना। तो पहले के लोग
पहले के लोग ऐसा बोलते थे कि भगवान से डरा करो, है ना, या पाप करने से डरा करो, या झूठ बोलने से डरा करो, है ना। सब देख रहे हैं, है ना, सूर्य है, चंद्रमा है, 10 दिशाएं हैं, हम सब हमारी पहरेदारी कर रहे हैं, तो हमें डरना चाहिए। तो अभी वो एब्सोल्यूट ट्रूथ है, अथॉरिटी है, वो सब हट गया है, देवी देवताओं को लोग मानते नहीं हैं, तो क्या हो गया है, जिसको जो मर्जी आए वो कर रहा है। तो पाप और पुण्य जैसा कुछ रह नहीं है। किसी को नियमों को पालन करना अच्छा लगता है तो नियमों को पालन कर सकता है, और किसी को शराब पीना, व्यभिचार करना, है ना, सभी तरह के नशा करना और जुआ खेलना वो अच्छा लगता है तो वो हम करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली जो एक व्यक्ति अपने आप को पुण्यशाली सोच रहा है, अगर उसकी मृत्यु होगी, और जो व्यक्ति शास्त्रों की दृष्टि से पाप कार्य कर रहा है उसकी गति होगी, दोनों की गति तो एक ही होने वाली है। क्या होने वाली है, दोनों अल्टीमेटली केमिकल्स में मिल जाएंगे, अल्टीमेटली वो रसायनों में मिल जाएंगे, और जीवन के बाद कुछ भी बचेगा नहीं, यही है। तो अच्छा बनना, नियमों को में बंध जाना, और पाप पुण्य ये सब रूढ़िवादी लोगों की विचारधारा है। ये जो पहले के लोग होते थे, ये सब समाज को एक अच्छे तरह से समाज चले इसके लिए उन्होंने नियम बना दिए थे। तो एक परम सत्ता ना होने के कारण इसीलिए बहुत सारे पाप कृत्य बढ़ गए, बहुत सारे वायलेंस बढ़ गया है, क्राइम बढ़ गया है, और समाज में अराजकता जैसा माहौल फैल गया। क्यों? क्योंकि क्योंकि नियम चेंज होते रहते हैं, जैसे कि संविधान है, तो संविधान में आए दिन नियम चेंज होते रहते हैं, कभी कोई ऐसी बड़ी घटना हो जाती है तो उसका दूसरा नियम आ जाता है, या जो नियम बनाए जाते हैं उसके भी बहुत सारे तोड़ होते हैं, है ना, उसमें भी बहुत सारे लूप होल होते हैं जिससे वो नियमों को चेंज किया जा सकता है। तो ये ईश्वर विहीन सभ्यता का एक बहुत प्रमुख लक्षण है कि वो किसी ऑथोरिटी को स्वीकार नहीं करते, वो किसी परम सत्ता को स्वीकार नहीं करते। तो उसकी वजह से समाज में क्या क्या समस्याएं आती है वो हम थोड़ी देर में देखेंगे। फिर और ईश्वर विहीन समाज का एक दूसरा प्रमुख लक्षण क्या है, जिसको हम कह सकते हैं मटेरियलिज्म, है ना, भौतिकतावाद। तो पहला है रिलेटिविज्म, जिसमें हर चीज सापेक्षित है, कोई भी चीज फिक्स नहीं है, आप अपने अनुसार सोचो, अपने अनुसार फिक्स करो, जिसको जो अच्छा लगे वो करते रहे, एक ये है। और दूसरा जो आधुनिक समाज है उसका एक बहुत प्रमुख लक्षण क्या है, मटेरियलिज्म। मटेरियलिज्म मतलब संसार में जितने भी अलग अलग घटनाएं हो रही, चाहे वो कॉस्मिक लेवल पर हो, चाहे वो माइक्रो लेवल पर हो, या वो मैक्रो माइक्रो कॉस्मिक किसी भी स्तर पर हो, चाहे वो हमारे इमोशंस हो, चाहे हमारे सुख हैं, चाहे हमारे दुख हैं, या जीवन में जो भी घटनाएं घट रही हैं, वो सब हम विज्ञान के माध्यम से समझा सकते हैं, वो सब हम रसायनों के माध्यम से समझा सकते हैं। हमें बाहर कोई व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है, हमें बाहर से कोई और कुछ, इस संसार के बियॉन्ड कुछ है, इस सृष्टि के बियॉन्ड कुछ है, वो सब हमें खोज करने की जरूरत नहीं है। इस सृष्टि के अंदर ही, इस संसार के अंदर ही जो सारे नियम हैं वो सब कुछ हम अपने रिसर्च के द्वारा समझा सकते हैं, इसको बोलते हैं भौतिकतावाद, मटेरियलिज्म, है ना। और इससे क्या आता है कि जिसके पास जितना मैटर है, जिसके पास जितनी संपत्ति है, वो उतना मटेरियलिज्म में आगे, है ना। तो अभी हमारे अंदर इमोशंस आ रहे हैं, हमें सुख हो रहा है, है ना, तो सुख हो रहा है तो एक तरह का रसायन, एक तरह का हार्मोन हमारे ब्रेन से निकल रहा है ना, और हमें दुख हो रहा है तो एक तरह का रसायन, एक तरह का हार्मोन निकल रहा है। तो अल्टीमेटली जो एक व्यक्ति है, एक पर्सन है, वो उस रसायनों के बियॉन्ड और कुछ नहीं है। तो पूरा साइंस, जिसको एक टर्म भी दिया गया है साइंटिज्म, कि संसार की सारी फिनोमिना, सारी घटनाएं आधुनिक विज्ञान समझा सकता है। और हम टेक्निकली चाहे इन सब चीज़ों को हमने नहीं पढ़ा है या हमने नहीं सुना है, लेकिन हमारे खून में वो चीज़ें अंदर जा चुकी हैं,
है ना। तो इसीलिए यही जीवन सब कुछ है, इसीलिए री इंकारनेशन है ना, या नियर डेथ एक्सपीरियंस, ये सब चीज़ें क्या है, लोग अभी सुनना भी नहीं चाहते हैं, इसका स्टडी भी करना नहीं चाहते हैं, और सभी चाहते हैं कि यही जीवन है, यही जीवन सब कुछ है, और इसी जीवन में आप चाहे मोरली अच्छा जीवन जियो, या लूटपाट मचाओ, या चोरी करो, या डाका डालो, या अच्छे सिविलियन रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती। आपके हाथ में कितनी पावर है ना, आप समाज में कितने उन्नत स्तर पे हैं, उन्नत स्तर पे मतलब क्या है, आपके पास कितना पैसा है, आपके पास कितनी प्रेस्टीज है, तो आपका डंका चले, है ना। क्योंकि पाप पुण्य अच्छा बुरा कुछ जैसा है ही, जिसको किसी को चोरी करना अच्छा लग रहा है तो चोरी करो, है ना। जैसे कोई बोलता है कि क्या है कि आप लोगों को भक्ति करना अच्छा लगता है तो कीजिए, फोर्स मत कीजिए ना, ऐसे फोर्स करने की क्या जरूरत है, हमें अच्छा नहीं लग रहा है, हमें मंदिर जाना अच्छा नहीं लग रहा है, जिसको जो अच्छा लगे वो करने दो उसको, है ना। तो अभी किसी को पढ़ना अच्छा लग रहा है पढ़ाई करो, किसी को बिजनेस करना अच्छा लग रहा है बिजनेस करो, किसी को क्राइम करना अच्छा लग रहा है क्राइम करे, है ना, किसी को लूटपाट मचाना अच्छा लग रहा है वो करे, सबको स्वतंत्र इच्छा है ना, फ्रीडम, सबको फ्रीडम मिल गई, ह्यूमन राइट्स आ गए। तो ये सब समस्याएं इसीलिए आई है क्योंकि हम क्या सोच रहे हैं कि इस भौतिक जगत के बियॉन्ड कुछ नहीं, भौतिक जगत को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं भौतिक जगत की चीज़ों को लेते हुए, है ना। और तो इनके कारण सामान्यतः लोग क्या हो गए हैं, नास्तिक बन चुके हैं। और नास्तिक सोसाइटी में क्या है, हम देखते हैं कि अभी एक फेमस एक व्यक्ति है इलॉन मस्क, है ना, उसने बहुत सारी ऐसे डिस्कवरीज की हैं, ऐसे बहुत सारे खोज की हैं जिससे पूरे वर्ल्ड में रिवॉल्यूशन आ गया, भौतिक स्तर पे एक रिवॉल्यूशन आ गया। जैसे कि आज हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, है ना, पेपाल, है ना, ये कौन लेके आया, मस्क, इलॉन मस्क ये लेके आया। फिर उसने दावा किया है कि 2026 तक मार्स पर कोलोनाइजेशन हो जाएगा, हम मार्स पर पहुंच जाएंगे और लोग वहाँ पर रहना स्टार्ट चालू कर देंगे, उसने अब अपनी तरफ से दावा किया है ना। उसकी बहुत बड़ी कंपनी है टेस्ला, जिसकी बताया गया है कि 230 बिलियन डॉलर की उसने कार निकाली है ना। ये धीरे धीरे क्या है, मटेरियल सोसाइटी आगे बढ़ रही है, और आगे चल के जो मेडिसिन मेडिसिन है, ये जो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान है, उसमें वो ऐसे ब्रेन चिप्स लेके आ रहा है जिसको आपके ब्रेन में इम्प्लांट किया जाएगा, और जितनी भी आपकी डिजीज हैं, जैसे आजकल के लोगों को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, फ्रस्ट्रेशन है, लोग सुसाइड कर देते हैं, तो ये जो मेंटल प्रॉब्लम है ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये हमारे ब्रेन में केमिकल इम्बेलेंस हो जाता है, और केमिकल इम्बेलेंस होने की वजह से हमारा ब्रेन क्या हो जाता है, वो गलत तरीके से एक्टिवेट और डीएक्टिवेट हो जाता है। तो वैसे वो ब्रेन इम्प्लांट्स लेके आ रहा है इलॉन मस्क, जिससे क्या होगा, सारे जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, माइंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, एंजाइटीज हैं, ये सब खत्म हो जाएंगे। तो लोग ऐसे और भी ऐसे लोग हैं जो मटेरियल फील्ड में बहुत आगे जा चुके हैं, और जब आम जनता तक पहुंचता है, आम जनता तक वो चीज़ पहुंचती है, तो वहाँ पहुंचते पहुंचते उसके इतने सारे दुष्परिणाम आ चुके होते हैं कि उस दुष्परिणामों को छुपा दिया जाता है, उस दुष्परिणाम, क्योंकि क्या है, कुछ समय पहले ये भी आया था कि कोविड के टाइम में कोविड जो वैक्सीन है उसके थ्रू एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, माइक्रोचिप्स हम इम्प्लांट करेंगे जिससे व्यक्ति कहाँ पर है उसको ट्रेस किया जा सकता है, मतलब आपकी जो पर्सनल सिक्योरिटी है, प्राइवेसी है, वो सब कुछ खत्म हो जाएगी, आप कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं, आपको ट्रेस करना, आपको मैनिपुलेट करना, वो सब कुछ आसान हो जाएगा। तो ये हमें लगता है कि ये जो एथिस्टिक साइंस है, जो नास्तिक विज्ञान है, उसके माध्यम से हम बहुत सारे प्रगति कर रहे हैं, और ये जो ईश्वर विहीन सभ्यता है, और पहले भी ऐसा हुआ है कि ईश्वर विहीन सभ्यताएं क्रैश हुई हैं, ईश्वर विहीन सभ्यताएं गिरी हैं,
और ये जो सभ्यता है वो बहुत आगे चल के गिरने वाली। तो इससे और क्या 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 नुकसान हो रहे हैं उस पर हम थोड़ा चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो जब व्यक्ति को, जब किसी पर्सन को केवल एक महाराज परम पूज्य भक्ति विकास महाराज एक उनकी पुस्तक है लेखमाला, उसमें एक स्टोरी बताते हैं महाराज, उसमें महाराज स्टोरी बताते हैं कि एक युवा था, उसने क्या किया कि एक मर्डर किया, और मर्डर करने के बाद उस व्यक्ति के टुकड़े टुकड़े कर दिए, है ना, उसको पूरा टुकड़े टुकड़े करके उसे ऐसे फेंक दिया। और जब उसको ऐसे टुकड़े टुकड़े करके मर्डर करके जब उसको पकड़ लिया गया तो कोर्ट में उसको पेश किया गया। और कोर्ट में पेश किया गया तो जज ने पूछा कि तुम्हें अपने कुछ डिफेंड करना है, तुमको कुछ अपनी गवाही देना है। तो व्यक्ति बोलता है कि मैंने तो कुछ गलत नहीं किया है, मैंने क्या गलत किया, कुछ गलत नहीं किया। तो वो जज बोलता है कि तुमने इतनी बेरहमी से एक व्यक्ति को मारा है, उसके टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया, और तुमको बोल रहा है कि तुमने कुछ गलत नहीं किया है, है ना। तो मैंने, तो व्यक्ति बोलता है मैंने क्या गलत किया, मुझे यही सिखाया गया। आप जिस पोस्ट पर हैं, आप जज हैं, आप एक इंडियन गवर्नमेंट के एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट पर हैं, इस इंडियन गवर्नमेंट ने बचपन में मुझे सिखाया था कि हम सब लोग रसायनों से मिलकर बने हुए हैं, और अल्टीमेटली एक दिन हमारी मृत्यु होगी और उसके बाद कुछ भी बचेगा नहीं। तो इतनी सारी बिल्डिंग टूटती हैं, इतनी सारी बिल्डिंग बनती हैं, इतने सारे वाहन रिपेयर होते हैं, इतने सारे वाहन डिस्पोज हो जाते हैं, इतने सारे जमीन में खुदाई होती है, मिट्टी निकाल दी जाती है, कुछ बनाया जाता है, फिर मिट्टी को इधर उधर। तो मैंने अगर एक रसायन के थैले को मार दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसको फेंक दिया, तो मैंने क्या बड़ा चीज किया। ये तो आए दिन हो रहा है, ये तो आए दिन सोसाइटी में हो रहा है। तो वो जो बिल्डिंग टूट रही है, वाहनों को तोड़ा फोड़ा जा रहा है, रिपेयर किया जा रहा है, गड्ढे खोदे जा रहे हैं उसमें, और एक जो पर्सन था जो थोड़ा बोल रहा था, चल रहा था, उसको मैंने काट के फेंक दिया, उसमें क्या अंतर पड़ा। तो हम अपनी ऐसी शिक्षा दे रहे हैं, उस शिक्षा देने के कारण व्यक्ति जब प्लस टू करके निकलता है, ग्रेजुएशन करके निकलता है, तो एकदम चमकता हुआ, एकदम नास्तिक बन के निकलता है। और उस नास्तिक व्यक्ति से समाज में हम क्या अपेक्षा करेंगे, जब इस तरह से क्राइम्स बढ़ेंगे, है ना, इस तरह से हिंसाएं बढ़ेंगी, तो वो हिंसा क्यों बढ़ रही है। प्रभुपाल लिख रहे हैं कि विनाश अवश्यंभावी है, तो ये विनाश क्यों हो रहा है, क्योंकि ईश्वर की ही सभ्यता है। और जब हम भगवान के बारे में बताना चालू करते हैं और गीता के बारे में बताना चालू करते हैं, तो लोग क्या बोलते हैं, तो सेक्युलर है, है ना, हम तो किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देते हैं, सब अपना अपना धर्म पालन करें। तो नास्तिक, जितना लोग नास्तिक होंगे उतना समाज क्या जाएगा, गर्त में जाने वाला है, है ना। जैसे कि एक साइंस का एक ब्रांच है जिसका नाम है फॉरेंसिक मेडिसिन। तो उस फॉरेंसिक मेडिसिन में क्या किया जाता है कि एक व्यक्ति में क्रिमिनल जो हिंसा करने की वृत्ति आई, वो कैसे आई, उसकी स्टडी की जाती है। कि एक व्यक्ति ने बेरहमी से किसी को मार दिया या रेप कर दिया, है ना, या किसी को जला दिया, तो उस व्यक्ति में वो हिंसा करने की प्रवृत्ति कैसे है, उसको स्टडी, उस फील्ड में एक स्टडी की जाती है। तो उस स्टडी में वो देखते हैं कि इसमें क्या है, इसका पर्टिकुलर जो केमिकल है उसको वो नाम दे देते हैं क्रोमोसोम, है ना, या उसका जो ब्रेन का पर्टिकुलर जो भाग है उसमें डिफेक्ट, तो उसको क्या करते हैं, उस ब्रेन के जो भाग है उसको ही निकाल देते हैं। तो आजकल ये बहुत अधिक कॉमन चल गया है, जिसको बोलते हैं लोबोक्टोमी, कि ब्रेन के एक लोब को ही हटा देते हैं। व्यक्ति मतलब क्या हो गया, वो अभी वो हैंडीकैप्ड हो गया, वह अपाहिज हो गया, मतलब उसको ट्रीट करने का तरीका क्या है, काउंसलिंग नहीं है, पाप पुण्य नहीं है, उसको पूर्व जन्म या अगले जन्म के बारे में बताना नहीं है, सही क्या है गलत क्या है वो नहीं है, उसके भाग में कुछ इम्बैलेंस चल रहा है, तो उस भाग को क्या कर दो, निकाल दो। तो ये क्रिमिनल जस्टिस में आजकल बहुत कॉमन हो गया है कि कोई व्यक्ति क्राइम करता है तो उसको क्या कर दिया जाता है, उसको फिर
आगे चल के हैंडीकैप बना दिया जाता है। तो ऐसे बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं। हम देखते हैं कि लोग कहते हैं कि धर्म के नाम पे बहुत युद्ध होते हैं, है ना। लोग हिंदू मुस्लिम राइट्स हो जाते हैं, हिंदू लोग अपनी रैली निकालते हैं तो मुसलमान पत्थरबाजी कर देते हैं, है ना। मुस्लिम अपना कुछ ताजिया निकालते हैं तो वहाँ पर बहुत सेंसिटिव हो जाता है ना, पूरा कर्फ्यू जैसा माहौल हो जाता है। तो धर्म के नाम पर इतने सारे लड़ाइयाँ होती हैं, है ना। जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो उस समय क्या हो जाता है, पूरे देश में हाई अलर्ट हो जाता है कि पता नहीं कोई जीत गया तो मारकाट चालू ना हो जाए हिंदू मुस्लिम में। तो लोग क्या सोचते हैं कि हिंदू मुस्लिम के कारण बहुत हिंसाएं हो रही है, ये क्रिश्चियन मुस्लिम बहुत हिंसा हो रही है। लेकिन अगर हम हिस्ट्री में देखें, हम 200 साल के इतिहास में देखें, तो सबसे अधिक जो हिंसाएं हुई हैं, सबसे लोग मरे हैं, वो किसकी वजह से मरे हैं, साइंस के कारण। मॉडर्न साइंस कारण रही है लोगों को मारने का। जो सबसे बड़े विश्व युद्ध हुए हैं, विश्व युद्ध प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध, उसका कारण धर्म नहीं था, उसका कारण हिंदू मुस्लिम नहीं था, उसका कारण था सत्ता स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, उसका कारण था जीवन संघर्ष, है ना। जो जीवन संघर्ष में आगे निकलेगा उसकी सत्ता होगी, और जो जीवन संघर्ष में पीछे रह जाएगा उसको खत्म कर, है ना। तो जो वीक लोग हैं, यहूदी लोग हैं, बहुत वीक हैं, तो क्या करो, इनको खत्म करो, है ना। और जो जर्मन्स लोग हैं वो बहुत स्ट्रांग है, बॉडीली बहुत स्ट्रांग है, मेंटली बहुत स्ट्रांग है, तो पूरे संसार में स्ट्रांग लोग रहना चाहिए, और वीक लोग जो मरे गिरे ऐसे ही ढीले ढाले लोग हैं उनको मार देना चाहिए। क्यों आ गया ये, कहाँ से आ गया ये, हमारे आधुनिक साइंस की देन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, जीवन संघर्ष। तो जीवन संघर्ष की रेस में जो आगे निकलेगा वो बड़ा कहलाएगा, और जीवन संघर्ष की रेस में जो पीछे रह जाएगा उसको छोड़ो। तो ये जो जैसे हम बोलते हैं, तो ये वास्तव में कोई भी युद्ध होता है उसके पीछे एक आइडियोलॉजी होती है, उसके पीछे एक विचार होता है ना। तो उस आइडियोलॉजी के कारण वो युद्ध होता है ना। जैसे कि अभी हम देखते हैं हिंदू मुस्लिम, तो क्या आइडियोलॉजी है, आइडियोलॉजी है बॉडीली कॉन्सेप्शन ऑफ लाइफ। प्रभुपाद जी कई बार समझाते हैं, है ना, कि एक व्यक्ति समझ रहा है कि मैं हिंदू हूँ, दूसरा समझ रहा है कि मुस्लिम हूँ। अगर सब भगवान की संतान है तो एक संतान दूसरे संतान को क्यों मारना चाहिए, है ना। क्योंकि आप हिंदू परिवार में जन्म हुआ, मुस्लिम परिवार में जन्म हुआ, इसीलिए आप युद्ध कर रहे हैं। तो इसीलिए उसी तरह से ये जो वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ और सेकेंड हुआ, उसके पीछे आइडियोलॉजी क्या थी, सोशल डार्विनिज्म, है ना। और सोशल डार्विनिज्म मींस पॉलिटिकल एम्बिशन, है ना, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, इसके कारण ये वॉर हुआ, है ना। तो हम कैसे कह सकते हैं कि धर्म के कारण युद्ध होते हैं। और हम अभी के हम समाज में देखें, अभी के समाज में हर व्यक्ति सोचता है कि हम प्रगति कर रहे हैं, है ना। जब व्यक्ति ईश्वर को मानते हैं, जब लोग धर्म को मानते हैं, तो व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है, उसके अंदर लोभ चला जाता है, उसके अंदर आगे बढ़ने की प्रवृत्ति चली जाती है। तो जो व्यक्ति जितना धार्मिक होगा, जो व्यक्ति जितना आध्यात्मिक जीवन में जुड़ा होगा, वो उतना संतुष्ट होगा। और संतुष्ट व्यक्ति क्या आधुनिकता की दौड़ में आगे जाएंगे, जो व्यक्ति जितना वो शास्त्रों को पढ़ रहा है, भाई कर्मों के नियम होते हैं, सब अपने आप संतुष्ट, मतलब संतुष्ट रहना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए, काम वासना नहीं होना चाहिए, तो ऐसा देश, ऐसा राष्ट्र कभी प्रगति नहीं कर सकता है। ये हमारे आधुनिक नेताओं की आइडियोलॉजी कि ऐसे देश कभी प्रगति नहीं कर पाएंगे, ऐसे देश कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए क्या करना है कि धर्म को हटाना है, शास्त्रों को हटाना है, और नास्तिकता को लेके आना है। अगर व्यक्ति नास्तिक बनेगा असंतुष्ट होगा, अगर व्यक्ति नास्तिक बनेगा तो लोभी बनेगा, और असंतुष्ट और लोभ होने के कारण वो प्रगति करना चाहेगा, आविष्कार करना चाहेगा, खोज करना चाहेगा। वो ऋषि मुनि है, वो तो बैठे हुए चुपचाप, कुछ कर ही नहीं रहे। ये तो धर्म तो हमको इनर्शिया बना देगा, हमको डल बना देगा, जड़ बना देगा। तो इसीलिए क्या करें, ईश्वर विहीनता को फैलाते हैं,
और जितना मात्रा में ईश्वर विहीनता फैलेगी उतना मात्रा में व्यक्ति क्या होंगे, अधिक एक्टिव होंगे, उनके अंदर पैशनेट होंगे, और जितना वो पैशनेट होंगे उतना देश का विकास होगा, नहीं तो देश का विकास रुक जाएगा। इसीलिए जितने भी हमारे अभी रिसेंट हिस्ट्री में हमारे पॉलिटिशियंस हुए हैं या अभी जो पॉलिटिशियन है, कुछ लोग धर्म को प्रमोट करते हैं। धर्म को कैसे प्रमोट करते हैं कि उनकी जितनी भी पॉलिसीज हैं, जितने भी नियम हैं, जो भी संविधान है, वो पूरा इंद्रिय तृप्ति पर आधारित है। कैसे अधिक से अधिक भोग करना है, कैसे जो प्राकृतिक संसाधन है उनको एक्सप्लॉइट करना है, और उसके ऊपर धर्म का नींबू निचोड़ दिया जाता है। बस आपने प्लेट लगाया, उसमें रोटी है, सब्जी है, दाल है, चावल है, सब चीज़ें हैं, और आप उसको टेस्ट बढ़ाना है तो आप क्या करेंगे, उसमें धर्म एक नींबू निचोड़ देते हैं, ऊपर से नींबू अचार रख देते हैं, तो अचार से टेस्ट बढ़ जाता है, नींबू से टेस्ट बढ़ जाता है, लेकिन नींबू मेल खाना नहीं होता, वो टेस्ट बढ़ाने के लिए। तो इसी तरह से अधिकतर, चाहे वो व्यक्तिगत रूप से हो या सामाजिक स्तर पर, जो सब करना चाहते हैं वो भोग करना चाहते हैं, इंद्रिय भोग करना चाहते हैं, और उसमें क्या करेंगे, धर्म का नींबू निचोड़ देंगे, है ना। अभी चंद्रयान भेजा गया, तो चंद्रयान भेजा गया, अच्छी बात है, एडवांसमेंट हो रहा है, तो भगवान से प्रार्थना करने जा रहे हैं बालाजी के पास कि हम चंद्रयान भेज रहे हैं तो वो सफल हो जाए। सफल होके क्या करेंगे, चंद्रमा पे जाके क्या करेंगे, या मार्स पे जाके क्या करेंगे, पृथ्वी को तो रहने लायक छोड़ा नहीं, बर्बाद कर दिया, अभी वहां जाके भी उसको खराब करने वाले। तो कहने का मतलब क्या है कि आज जो धर्म या अध्यात्म को प्रमोट कर भी रहे हैं, तो या तो वो बोर्ड बैंकिंग में कर रहे हैं, ऐसे लोगों का वोट लेना चाहते हैं, या फिर बस एक पॉलिश्ड सेंस ग्रेटिफिकेशन, एक पॉलिश तरीके से इंद्रिय तृप्ति हो, इसी तरह को वो दिखाना चाहते हैं। तो फिर हम और देखते हैं कंज्यूमर सोसाइटी, है ना, ईश्वर विहीनता का एक और लक्षण है कंज्यूमर सोसाइटी। कंज्यूमर सोसाइटी में क्या होता है, उपभोक्ता समाज। उपभोक्ता समाज में क्या है कि आपको कुछ खरीदने की आवश्यकता नहीं है, आपका टू व्हीलर से काम चल सकता है, आपका सिंपल फोर व्हीलर से काम चल सकता है, लेकिन आपको क्या दिखाया जाएगा, है ना, कि आपकी प्रेस्टीज है, टू व्हीलर में थोड़ी घूमते हैं, या आपको कार, सिंपल कार नहीं, आपके तो वो होना चाहिए, ऑडी होना चाहिए, है ना, आपको एड दिखा के, आपको इस तरह से दिखाया, इस तरह से आपको बना दिया जाएगा, आपका माइंड सेटअप इस तरह से डेवलप किया जाएगा, अगर आप अधिक से अधिक चीजों को इकट्ठा नहीं करेंगे, अगर अधिक से अधिक आप संपत्ति नहीं होगी, अधिक से अधिक पैसा नहीं होगा, अधिक से अधिक शान शौकत नहीं होगी, तो आप समाज में पिछड़े कहलाएंगे। पहले लोग स्वेच्छा से निर्धनता को स्वीकार करते थे। क्यों स्वीकार करते थे कि भाई हमें अध्यात्म के लिए जीवन के जो मूलभूत क्वेश्चन है, प्रश्न है, उनको हमें ढूंढना है और उसका प्रचार करना है, उसके लिए मुझे समय चाहिए, अगर ये सब चीज़ों में चला गया तो समय कहाँ निकलेगा। लेकिन आजकल क्या आ गया, उपभोक्ता समाज, है ना, जिसकी आवश्यकता भी नहीं होगी, उसको दिखा दिखा के आजकल हम देख रहे हैं कि लोगों का किचन कल्चर चला गया, घर में किचन ही नहीं होते, जोमेटो आ गया, और क्या क्या है, जोमेटो है, क्या है, स्विगी जोमेटो है, खाना बनाने की जरूरत ही नहीं है ना। तो हस्बैंड मतलब वाइफ माताजी हैं तो खाना बनाना नहीं चाहती, जोमेटो से आप ऑर्डर कर सकते हैं, स्विगी से। तो अभी जो खाना बनाने में जो कष्ट है, जो त्याग है, सेक्रीफाइस है, प्रेम है, वो तो सब साइड, ऐप है, जोमेटो से बुक किया, आया, बात खत्म। अभी वो हमारी क्या हुई है, नेसेसिटी हो गई, पहले लग्जरी था, शुरुआत कैसी होती है, लग्जरी, और बाद में किस में चेंज हो जाती है, वो आवश्यकता में परिवर्तित हो जाती है ना। और उसके तो ये कंज्यूमर सोसाइटी जो है, हमारे जो दिमाग है उसको पूरा खा जाती है, हम व्यक्ति सोच ही नहीं पाता। आवृत ज्ञान में थे ना ज्ञान ही नो नित्य वैन काम रूपेण कौन थे दुष्पूर्णान, ज्ञान विज्ञान नाशनम, है ना, जैसे कि भगवद गीता में बताया गया है
कि ये ज्ञान और विज्ञान को नष्ट करने वाले। तो जो जितना व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में डूबा होता है, जितना अधिक भोग करना चाहता है, उसकी विश्लेषण करने की शक्ति, चीजों को समझने की शक्ति वो खत्म हो जाती है। वो क्या बन जाता है, एक कठपुतली बन जाता है। उसको जैसे नचाया जाए वैसी नचाए, वैसी नच जाए, है ना। आजकल हम देखते हैं लोगों के पास गांव में खेती होती है, गाय होती है, क्या करते हैं, खेत बेच देते हैं, कॉलेज में आते हैं, लोन लेके पढ़ाई करते हैं, और फिर जॉब नहीं मिलता है तो लोन चुकाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं। तो अच्छा सब कुछ सेटअप था, सब कुछ खेती थी, गाय थी, सब कुछ था, लेकिन क्या उसको छोड़कर हम लोन लेके पढ़ाई करेंगे, जिस पढ़ाई का केवल एकमात्र पर्पस है आपको करेक्टर लेस बना देना, और आपकी जॉब तो वैसे भी मिलने नहीं वाली, और लोन चुकाने के लिए आप प्रयास करते हैं। तो ये सब कैसे है, कंज्यूमर सोसाइटी, उपभोक्ता समाज, जो हमको क्या बता। और ये उपभोक्ता समाज आया कैसे, क्योंकि हम सोच रहे हैं कोई एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है, भगवान जैसा कुछ नहीं है, तो इसकी वजह से समाज में बहुत सारी अलग अलग तरह की समस्याएं आ रही है। तो कुछ अगर हम समस्याओं को देखें जो सब धर्म की गुहाई देते हैं, है ना, और अध्यात्म के बारे में बताते हैं, तो जैसे कि हमारे जो लोकसभा है, है ना, MPs हैं, उसमें से 40% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है उनके ऊपर क्राइम और रेप केस सर्व है, 40% MPs के ऊपर। अभी जो देश को चलाने वाले हैं वही क्रिमिनल एक्ट्स में फंसे हुए हैं, वही हिंसा के कुकृत्य में फंसे हुए हैं, क्या देश चलाएंगे, है ना। फिर कुछ समय पहले कर्नाटका जो असेंबली है, विधानसभा है, उसके स्पीकर ने क्या बोला कि जब जो रेप है इनएविटेबल हो जाए तो उसको एंजॉय कर लेना चाहिए, और सब ठहाके मार रहे, सब तालियां बजा रहे, हंस रहे कि क्या क्या बात बोली, कितना अच्छा बात बोली। तो आप उसको कंडेम नहीं कर रहे, उसको क्या कर रहे हैं, और उसको आप और अधिक प्रमोट कर रहे हैं। तो लोग बहुत कंसर्न तो दिखाते हैं, है ना, बहुत चिंता तो दिखाते हैं। कुछ ऐसा न्यूज में सुन, अभी जैसे कुछ समय पहले मणिपुर में घटना हुई, आप में से कुछ लोगों को शायद पता हो, तो मणिपुर में कुछ महिलाओं के साथ कुकृत्य किया गया, और उनको फिर पूरे मार्केट प्लेस में निवस्त्र करके परेड चलाया, और ये घटना हुई मई के महीने में, और इस घटना को 2 महीने तक दबा दिया, 2-3 महीने तक दबा के रखा, है ना। और फिर जब घटना बाहर आई, जब न्यूज में ये पता चला कि ऐसी घटना हुई है, तो किसको जस्टिस मिलना चाहिए और किसको सजा सुनाई जाना चाहिए, इस पे तो बात अलग है, लोग अपनी पॉलिटिकल उसको एजेंडा बनाना चालू कर दो, है ना। तो अभी तो फ्रेश है सब कुछ, सबको कुछ पता है कि ये मणिपुर में ऐसी घटना हुई है, तो 15 दिन तक, 1 महीने तक सब अपनी हो हल्ला करेंगे, उसके बाद भूल जाएंगे, है ना। ऐसे बहुत सारे अलग अलग केस होते रहते हैं, तो जब वो केस चलते हैं तो 15-20 दिन तक तो सबका एकदम खून खौल जाता है, ये करना है, वो करना है, ये करना है, और उसके बाद क्या हो जाता है, सब चुपचाप हो जाता है। अभी मैं कुछ दिन पहले बस में जा रहा था सीहोर, तो वहाँ एक व्यक्ति पास में बैठा हुआ था, तो वो पहले ऐसे पूछने लगा कौन है, क्या है संस्था है, फिर खुद उसने बोला कि स्वामी जी अभी समाज में इतना काम है, इतना लोभ है, इतना सब फैल चुका है, है ना। हम अपने बच्चों में देखते हैं कि जो काम है, लोभ है, क्रोध है, इतना सब फैल गया है कि उनको अच्छे संस्कार देना, उनको गीता के बारे में समझाना, वो तो बहुत मुश्किल हो गया, उनको तो हम समझा ही नहीं सकते, क्योंकि हमने ही उनका नुकसान किया, हमने ही उनको ऐसे ही छोड़ दिया और टेक्नोलॉजी के बीच में रख दिया, और टेक्नोलॉजी के बीच में रख कर अभी उनकी ऐसी स्थिति आ गई है कि किसी की सुनना नहीं चाहते, लोग वायलेंट हो गए,
है ना, धैर्य जैसा कुछ बचा ही नहीं है। छोटी छोटी बात पर बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं, छोटी छोटी बात पर हत्याएं हो जाती हैं। तो ये समाज की क्या है, बहुत बुरी स्थिति। फिर यहाँ पर और भी कुछ ऐसे कुछ आंकड़े हैं जैसे बताया है कि अभी जैसे पुलिस डिपार्टमेंट का क्या कर्तव्य है, प्रोटेक्शन देना, न्याय देना, जस्टिस देना। तो बताया गया है कि भारतवर्ष में 28,000 जो स्त्रियां हैं उनके साथ जो गलत व्यवहार होता है वो पुलिस प्रोटेक्शन के अंडर में होता है। एमपीस, एमएलएस, पुलिस ऐसा सब चल रहा है तो क्या क्या फिर देश में क्या होने वाला है। यही होगा जो प्रभुपाद बता रहे हैं कि विनाश क्या है, अवश्यम भावी है ना। कुछ समय पहले एक फेमस पॉलिटिशियन थे, अभी तो उनकी मृत्यु हो गई, मुलायम सिंह यादव। तो वो उन्होंने पब्लिकली ऐसा घोषणा किया, किसी ने कुछ गलत व्यवहार किया, किसी पुरुष के समूह ने कुछ गलत व्यवहार किया, तो मुलायम सिंह पॉलिटिकल रैली में निकले हुए हैं और क्या बोल रहे हैं कि गलतियां तो सबसे होती हैं, किसी को फांसी थोड़ी सुनाई जानी चाहिए या किसी को जेल थोड़ी होना चाहिए। तो अगर आप हमको वोट देंगे तो हम ये नियम चेंज कर देंगे कि किसी ने कुछ गलत कार्य किया है, कुकृत्य किया है, तो उसको फांसी की सजा थोड़ी मिलना चाहिए, उसको प्रिजन के पीछे थोड़ी डालना चाहिए। और अगर कोई इस नियम का विरोध करेगा तो उसके खिलाफ सुनवाई की जाएगी। सोचो आप, मतलब आप इस मुद्दे पर लेके आप वोट मांग रहे हैं कि अगर आप ये कुकृत्य करते रहिए, हम ऐसा नियम लेके आएंगे, जब हम आ जाएंगे, हम सत्ता में आ जाएंगे तो ऐसा नियम लेके आएंगे कि आप खुले ये सब कर सकते हैं और जो इसका विरोध करेगा उसको हम जेल में डालेंगे। तो ऐसी जो ईश्वर विहीन सभ्यता है, प्रभुपाद कई बार इस सिविलाइजेशन के अलग अलग वो लगाए, एडजेक्टिव लगाए प्रभुपाद जी, सोल किलिंग सिविलाइजेशन, डॉगिस सिविलाइजेशन है ना, पॉलिस एनिमलिस्टिक सिविलाइजेशन है ना। तो ये सभ्यता की ऐसी स्थिति है। तो ये हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी हो सकता है और एक सामूहिक रूप से भी हो सकता है। तो हाँ, थोड़ा सा और हम चर्चा करेंगे उसके बाद हम फिर। तो इसीलिए अगर हम व्यापक रूप से शास्त्रों का प्रचार होता है, व्यापक रूप से हरिनाम संकीर्तन का प्रचार होता है, तो एक ही इलाज है। प्रभुपाद जी ने कहा है कि इस पूरे संसार में एक चीज की कमी है, वो क्या है, कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना की कमी है। बाकी जितने भी इलाज हैं वो सब पैचअप वर्क है। वो क्या है कि थोड़ा थोड़ा बस ये गलत हो रहा है, हाँ समाज में अच्छा नहीं हो रहा है ना, हम तो सबके साथ सही कर रहे हैं, हम किसी का बुरा नहीं सोच रहे हैं। लेकिन जो ईश्वर विहीन सभ्यता बढ़ रही है और जिसके कारण समाज में ऐसी स्थिति हो रही है, और इसमें और भी ऐसे कई डेटाज हैं जिसमें बताया गया है कि एक त्रिपुरा की असेंबली में एक एमएलए बैठा हुआ है और फोन पर असली चीजें देख रहा है, असेंबली के अंदर डिस्कशन हो रहा है उससे वो फोन पर देख रहा है। सोचो तो क्या क्या राज्य चलाएंगे, क्या देश चलाएंगे, और ऐसे लोगों को वोट दे रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद जी क्या बोले कि मूर्ख लोग अपने में से एक बड़े मूर्ख को चुन लेते हैं और फिर वो क्या करते हैं, वो शासन वो दिखाना वो बताना चाहते हैं कि राज्य कैसे चलेगा, है ना। तो इसीलिए जितना ईश्वर विहीनता की तरफ जाएगा समाज, जितना नास्तिकता की तरफ जाएगा, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। ये तो कुछ और क्या हो रहा है, एक तरफ तो जस्टिस मांग रहे हैं, जैसे बहुत समय पहले एक मी टू मूवमेंट चला था है ना, और उस मी टू मूवमेंट जो था उस मूवमेंट में अधिकतर लोग जो दोषी थे वो सब कौन थे, कॉरपोरेट वाले थे, जो एक समाज में इलीट क्लास होता है
बहुत ही हाईली एजुकेटेड ऐसा क्लास होता है, वो सब इस मी टू मूवमेंट में इन्वॉल्व थे। अब सोचिए, अब समाज में ऐसे कुछ कार्य हो रहे हैं और जिनको बहुत इंटेलेक्चुअल कहा जाता है, जिनको बहुत बुद्धिजीवी कहा जाता है, जो समाज को चला रहे हैं, वो इस तरह के कार्यों में इन्वॉल्व है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने कहा है कि अगर देश में पूरे संसार की 2% जनसंख्या भी कृष्ण भावना में हो जाती है तो पूरे संसार का बदला जा सकता है। तो हमें व्यापक स्तर पर बहुत ही, क्योंकि ये मटेरियलिज्म का प्रभाव क्या है, बहुत ही एग्रेसिव है, तो हमारा जो प्रचार भी होना चाहिए वो भी बहुत एग्रेसिव होना चाहिए, है ना। लोग बोलते हैं कि बहुत फोर्स करते हैं आप और बहुत जबरदस्ती करते हैं, पढ़िए है ना, माला कीजिए, मंदिर आइए, जब मर्जी भी तो करेंगे। तो आपके ऊपर सोशल मीडिया के थ्रू, स्मार्टफोन के थ्रू, एड्स के थ्रू इतना बॉम्बार्डिंग हो रहा है, इतना सब फोर्स किया जा रहा है, तब वहाँ नहीं बोल रहे हैं कि वहाँ फोर्स मत कीजिए, वहाँ आपको फोर्सफुली ये सब कार्य करवाए जा रहे हैं। तो इसी तरह तो यहाँ पर भगवान भगवद्गीता में बता रहे हैं 3rd अध्याय में, तस्मा त्वम इंद्रियम आदो नियमम भरतर सभा पापमानम प्रजही एनम ज्ञान विज्ञान नाश, कि जो ज्ञान और विज्ञान को नाश करने वाला जो काम है उसको प्रारंभ से ही क्या करो, कंट्रोल करने का प्रयास करो। कैसे कंट्रोल करो, इंद्रियों को नियम, इंद्रियों को रेगुलेट करके, मन को रेगुलेट करके। तो जितना इंद्रियों पे संयम होगा, मन पे संयम होगा, तो ये सब और इंद्रियों और मन पे संयम कब होगा, जब ये समझा जाएगा कि पाप पुण्य क्या है, अच्छा बुरा क्या है। और वो कब समझा जाएगा, जब एक सुप्रीम ट्रूथ इस्टेब्लिश हो। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ये बता रहे, हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है, पूछना चाहते हैं? जो सोसाइटी के प्रोग्रेस है जिसको आगे बढ़ाना है, अगर वो नाम हमारे की एटीट्यूड एंड बॉडी जैसी कोई वैल्यू है, एब्सोल्यूट अथॉरिटी ऐसे ना करें, ना करें, लेकिन एटलीस्ट उतना तो कंपेयर कर सकते हैं कि कुछ वर्षों पूर्व अभी का सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो ये पॉइंट से भी मतलब वो टिकट्स जो उनके पास गए हैं वो कंपेयर करें, तब भी वो समझ सकते हैं कि देने की चेंज तो क्या है, मतलब उसको कैसे नज़रअंदाज कर रहे हैं टिकट्स तो है। तो अगर कंज्यूमर सोसाइटी एब्सोल्यूट अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं करे और यही देखे कि पहले लोग कितने सुख संपन्नता से रहते थे, आज इतनी समस्याएं हो रही हैं, तो क्या समाज चेंज नहीं हो सकता है? क्योंकि कंज्यूमर सोसाइटी को जो चलाने वाले कुछ लोग हैं वो तो अपना बिजनेस करना चाहते हैं, वो तो अपना पैसा कमाना चाहते हैं, उनको लोगों की कुछ वेलफेयर की नहीं पड़ी है ना, वो तो उनका शोषण करना चाहते हैं। और सबसे पहले शोषण कहाँ से होता है, उनके दृष्टिकोण को बदल लेने से, है ना। एक बुक है आइडियाज हैव कंसिक्वेंसेस, कि विचारों से परिणाम चेंज हो जाते हैं। सब खेल आइडियाज का है, सब खेल किसका है, विचारों का है। विचारों से युद्ध हुए हैं और विचारों से शांति। तो कंज्यूमर सोसाइटी ने आपको लोभी बना दिया, कंज्यूमर सोसाइटी ने आपको लस्टी बना दिया। तो वो क्यों, क्योंकि वो अपनी जेब गर्म करना चाहते हैं, अपना बैंक बैलेंस बढ़ाना चाहते हैं। तो हालांकि बहुत लोगों को पता है, बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर भी हैं जो ये जानते हैं कि पहले समस्याएं कम थी, अब समस्याएं बढ़ गई, लेकिन उनके पास सॉल्यूशन क्यों नहीं है, क्योंकि वो अपना सॉल्यूशन भी अपने तरीके से लाना चाहते हैं। उनके लिए भी कुछ फिक्स पैमाना नहीं है, शास्त्र नहीं है, एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं, अपने तरीके से पैमाना लाना चाहते हैं। हाँ, हम क्या करेंगे, प्रोटेक्शन देंगे, है ना, हम क्या करेंगे, ऐसे लॉज लेके आएंगे, लेकिन उस लॉज का भी मिसयूज हो जाएगा। तो इसीलिए केवल प्रॉब्लम्स को जानना अपने आप में समस्या नहीं होगी, वो समस्या को अगर हमें हटाना है तो कहीं ना कहीं वो अपना जो फिक्स करना पड़ेगा कि हाँ ये अथॉरिटी है, सुप्रीम अथॉरिटी है और इसके थ्रू हम चलेंगे, तब वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। क्योंकि ऊपर बैठे हैं उनमें ग्रीड है, उनमें लस्ट है, तो दूसरे लोगों को तो एक्सप्लॉइट करने वाले हैं, और बाकी लोग क्या है, रेड रेस में चलने वाले हैं।
आचार्य के द्वारा दी गई है उस आइडियोलॉजी को पालन करने में कुछ डिफिकल्टीज आने लगती हैं, क्योंकि समय बहुत तेजी से बदलता है, टेक्नोलॉजी बदलती है, लोगों के सोचने के तरीके बदलते हैं, नेसेसिटी जो लग्जरी थी वो नेसेसिटी बनती जाती है। तो किसी समय पर हम किसी चीज़ को क्रिटिसाइज करते हैं ये दिन हो गए, लेकिन कुछ समय बाद लोग नेसेसिटी बन जाती है। तो ऐसे में आइडियोलॉजी को कहा जाता है कि उसको समय के साथ अडेप्ट करना पड़ेगा, तो प्रैक्टिकल बनना, प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, उसको आइडियोलॉजी को अडेप्ट करना पड़ेगा। बहुत हद तक लॉजिकल भी है, क्योंकि लोगों की मानसिकता और शारीरिक क्षमताएँ कम होती जाती हैं। जैसे हो सकता है कि आज 5 से 10 साल के बाद एसी में बैठना एक नेसेसिटी बन जाए, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्लाइमेट भी टेम्परेचर बढ़ रहा है और लोग कंफर्ट की तरफ जा रहे हैं, तो सकता है नेसेसिटी बन जाए। तो लेकिन आज कितनी धूप है, तो एक तरफ एक हम तक लॉजिकल भी समझ में आता है कि हाँ अडेप्टेशन आवश्यक है आइडियोलॉजी। तो क्या इसके कुछ ऐसे क्रिटिकल पैरामीटर्स हैं जहाँ पर हम उसको पकड़ सकते हैं कि कहाँ पर तो एक है आदर्शवादी, एक आइडियलिस्टिक आदर्शवादिता और एक है व्यवहारिकता। तो ये आदर्शवादिता और व्यवहारिकता में हमेशा खींचतान होती रहती है। जो आदर्शवादी जो होते हैं वो अपने उसूलों में पक्के होते हैं और जो है मतलब जैसा है वैसे ही होना चाहिए, और जो व्यवहारिकवादी होते हैं वो हर चीज़ को लेते जाते हैं। तो आइडियल्स क्या हो जाते हैं, समय समय पर चेंज होते रहते हैं। आज एक आइडियल है, कल दूसरा आइडियल होगा, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद दूसरा। तो इन दोनों के बीच में जो फाइन लाइन है उसको जो एक्सपर्ट आचार्य हैं, समकालीन आचार्य, समकालीन गुरु हैं, वो हमें सही तरह से बता सकते हैं कि हमारी जो दिशा है, जो हमारी डायरेक्शन है, हम सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, है ना। अगर हम आइडियलिस्टिक हैं और व्यवहारिक नहीं हैं, तो हो सकता है कि व्यवहारिकता का मतलब ये नहीं कि आइडियल्स को कंप्रोमाइज़ करना है, तो हम फैल नहीं पाएंगे, है ना। अगर आदर्शवादिता नहीं होगी और केवल व्यवहारिकता होगी तो फैल तो जाएंगे लेकिन कुछ बचेगा नहीं, केवल दूध में पानी मिलाते जाएंगे और कि एक दिन दूध खत्म ही हो जाएगा, पानी बचेगा। तो जैसे कि वो एक प्रवचन है, मैसेज और पैकेज, हमारा जो मैसेज है वो कभी परिवर्तित नहीं होना चाहिए ना। सकाले न महाता योगो नष्ट परंत, तो मैसेज हमारा चेंज नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसे कि प्रश्न आया कि समय के साथ इन्वायरमेंट भी चेंज हो रहा है, शारीरिक क्षमताएं भी परिवर्तित हो रही हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो हम पहले उपयोग नहीं करते थे लेकिन अभी हमने उपयोग करना चालू कर दिया। तो इसमें मेरा जो एक मत है कि जो बहुत एक्सपर्ट जो गुरु हैं, जो इस परिस्थिति को ऊपर से देख सकते हैं, एक बड़े उच्च शुद्ध चेतना से वस्तुओं को देख सकते हैं, अगर उनसे हम पूछेंगे कि कितना हमें प्रचार कार्य के लिए व्यवहारिक चीज़ों को ग्रहण करना है और कितना हमें उसको रोक के रखना है, क्योंकि व्यवहारिक चीज़ों को व्यवहारिकता के नाम पर अगर हम कई चीज़ों को एडॉप्ट करेंगे तो उसके दुष्परिणाम भी आ सकते हैं। तो उन दुष्परिणामों से कैसे अपने आप को बचा रखा जाए, और बस जितना बिल्कुल भगवान की सेवा करने के लिए जितना आवश्यक है उतना ही चीज़ों को ग्रहण किया जाए, तो उसके मापदंड निर्धारित करना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, लेकिन यह है कि समय के साथ मैसेज चेंज नहीं होना चाहिए, जो मैसेज को स्प्रेड करने के जो तरीके हैं वो हम उसको एडॉप्ट कर सकते हैं बहुत सावधानी के साथ, उसके सारे पैरामीटर्स को देखते हुए। इतना ही मैं बता सकता हूँ। एक चीज इसी पर जितने थी कि प्रभुपाद जी कई बार खासकर देखते हैं कि प्रैक्टिकल तरीका भक्ति में प्रगति का है, सूचक प्रैक्टिकल मापदंड ये है कि आप कितना इतने भूखी वस्तुओं से विरक्त हो रहे हैं,
डिटैचमेंट बनाएंगे। तो ऐसा भी होता है कि कई बार थॉट क्या हम सही रास्ते पे है कि नहीं है, उसको प्रैक्टिकली अगर समझना समझने का प्रयास करें कि अपने आइडियल्स जो अभी हम फॉलो कर रहे हैं सही आइडियल्स हैं, जिनको तो आइडियोलॉजी तो थी लेकिन समय लेकिन आइडियल्स बदल तो नहीं है। तो इस पर आप अपने अगर इसके मापदंड में रखेंगे कितना हम विरक्त हैं संसारिक चीज़ों से, अगर उसका ये मापदंड होगा तो ऐसे कई सारे संप्रदाय हैं भक्ति है जो बाहरी रूप से काफ़ी हमसे अलग रहते हैं। गौड़ीय वैष्णव और गौड़ीय वैष्णव में भी कई सारे ऐसे संप्रदाय हो सकते हैं। हम इवन इस्कॉन में भी हो सकते हैं कि एक ही आश्रम में कुछ भक्त रह रहे हैं, कुछ भक्त थोड़ा ज़्यादा भी रहते हैं, कुछ भक्त थोड़ा ज़्यादा आउटवर्ड है टीचिंग में और कुछ भक्त थोड़ा डिटैच है चीज़ों में। तो क्या विरक्ति जो प्रभुपाद जी रिकमेंडेड होते हैं तो क्या उसको भी अप्लाई करते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सिर्फ अगर उसको अप्लाई करेंगे तो फिर हम देखते हैं कई बार वो फिट नहीं बैठे। तो भक्ति में आगे बढ़ने का एक पैमाना है विरक्ति। तो अभी जो हम स्तर का पालन करते हैं ऐसे बहुत सारे संप्रदाय भी हैं, इवन हमारे जो इस्कॉन है गौड़ी वैष्णव संप्रदाय उसमें भी कई लोग बहुत, जैसे बाबा जी रहे है ना, अलग अलग बाबा जी रहे, कई फेमस भी हैं जैसे बंसीदास बाबा जी, गौरकिशोरदास बाबा जी महाराज, बहुत ज़्यादा डिटैच्ड, साक्षात वैराग्य मूर्ति उनके प्रणाम मंत्र में ही बोलते हैं साक्षात वैराग्य मूर्ति। तो कैसे हम डिटैचमेंट को देखें, तो इसीलिए जो हमारे जो आचार्य रूप गोस्वामी बताया है कि निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्य उचित है। कैसे स्टार्ट प्रारंभ होता है, अनासक्त विषयान यथारंभ उपयुंजता निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्य उचित है। तो युक्त वैराग्य उसकी की है ना, तो पहले कम इंटरनल डिटैचमेंट तो होना चाहिए। इंटरनल जो डिटैचमेंट है वो तो अवश्यम भावी है, वो तो होना ही है, और बहुत ही दक्षता के साथ प्रचार कार्यों के लिए जो चीज़ों की आवश्यकता है वो इस तरह से उपयोग करना है कि वो हमारे लिए लग्जरी ना बन जाए, वो हमारे लिए आवश्यक नहीं है। तो डिटैचमेंट जरूरी है, डिटैचमेंट में जैसे प्रसाद है, नील है, शारीरिक आवश्यकताएं हैं, लेकिन प्रचार कार्य के लिए क्या जाता है फिर युक्त वैराग्य। तो हम जैसे देखते हैं कि श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे वो संन्यास लेने से पहले ज़्यादा बाहरी दृष्टिकोण से डिटैच थे, मायापुर में 3 बिलियंस नेम नाम उन्होंने लिए तो वो ज़्यादा विरक्त थे है ना, वो हाथ पीछे करके दिन में एक बार प्रसाद ग्रहण करते थे, ऐसे 9 साल तक उन्होंने किया। और जैसे ही उन्होंने संन्यास लिया तो संन्यास लेने के बाद गौड़ीय मठ में कार आ गई, ऊँट आ गए, हाथी आ गए, सूट आ गया, और कार से तो वृंदावन जा रहे हैं, सूट पहन के विंटर वियर पहन के वो वृंदावन जा रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि संन्यास से पहले ज़्यादा डिटैच थे और संन्यास के बाद ज़्यादा अटैच हो गए, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो जो एक्सपर्ट आचार्य हैं वो इस जो की है वो है युक्त वैराग्य है ना, अनासक्ति संबंध सहित आसक्ति रहित, इसको बंगाली में बताया गया संबंध सहित, संबंध पता है कृष्ण से और आसक्ति रहित उससे हमारा अटैचमेंट नहीं है तो फिर हम उसमें फंसेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि अलग अलग भक्तों में, अलग अलग आश्रम में, अलग अलग संस्था में व्यक्तिगत वैराग्य का स्तर अलग अलग हो सकता है उनकी प्रगति के अनुसार, लेकिन प्रचार कार्य करने के लिए अगर कुछ हम मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, मॉडर्न गैजेट्स उसका उपयोग कर रहे हैं ये पूरी तरह से जानकर कि इसमें हम फंसना नहीं चाहिए, इसमें हम अटैच नहीं होना चाहिए, तो फिर उसको स्वीकार किया जा सकता है, उन गैजेट्स को, उन सब चीज़ों को स्वीकार किया जा सकता है। फिर उसमें हम ऐसा नहीं कहेंगे कि वो कम वैरागी हैं और ये अधिक वैरागी। ऐसे वो स्टोरी, फेमस स्टोरी है, गदाधर पंडित को ले जाते हैं पौंडरिक विद्यानिधि के पास में, तो पौंडरिक विद्यानिधि लेटे हुए थे, पान खा रहे थे और ऐसे नृत्य देख रहे थे है ना, तो गदाधर पंडित को डाउट आ जाता है कि कैसे कैसे भक्त हैं तो पान खा रहे हैं,
है ना, अपने सब आभूषण पहने हुए, तो जो मुकुंद दत्त हैं वो समझ जाते हैं कि इनको डाउट आ गया, तो वो भागवतम का एक श्लोक बोलते हैं भगवान की सुंदरता के बारे में। तो जैसे वो श्लोक बोलते हैं तो पौंडरी विद्या नदी के अंदर अष्ट सात्विक विकार आ जाते हैं, है ना। तो अभी की है वो युक्त वैराग्य, अभी उस की को कैसे उपयोग करना है, बस वही हमको उसमें ध्यान रखना है। अन्यथा प्रचार कार्य के लिए तो अगर हम चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो केवल हम बाहरी चीज़ से देख नहीं बोल सकते कि ये तो बहुत अटैच्ड है और ये कितने डिटैच्ड है। आप सर्विस में कितना लगे हुए हैं, प्रीचिंग मूवमेंट में कितना लगे हुए हैं, और उसके लिए जो आवश्यक है वो आपको उपयोग करना होगा मार्ग निर्देशन में रहते हुए। इस तरह से ओके, समय हो गया। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद्भागवतम की जय।